भक्ति, वो प्रेम कैसे पैदा होगा? जब तक भीतर में अनुभव नहीं होगा, हम आवरण में जी जी महाराज इनसे बाहर आना पड़ेगा और व्यवहारिक पक्ष को जानना होगा, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तद्वितेन प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेविया उपदेशम ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व। हे अर्जुन, छल कपट को छोड़, बालक का हृदय ले, सदगुरु के शरण में जा। किसके शरण में? आवाज नहीं आई। कान्या मान्या कुर सवा रुपये धर, तर चाहे मर, धोती लाओ लोटा और लाओ गमछा, सवा रुपये नारियल चाहे बैल बनो चाहे कुत्ता। छिपरा में बाढ़ कम है, बाबाओं की बाढ़ ज्यादा है। मैं बात सदगुरु की कर रहा हूं कि अखंड मंडलाकारम व्यापतम ये चराचरम तद्बदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंज जासु वचन रवि करने करो। बंदे बोध मयम नित्यम गुरुर शंकर रूपिलम यमाश्रितो वक्रोपि चंद्रो सर्वत्रा वंदते एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणितम सद्गुरु तुम नमामि। कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपहार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सदगुरु तुम ही दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझी और। मैं उस सदगुरु की बात करता हूं जो तुम्हें भीतर का बोध कराए। ये ना, मेरे यहां काला काला निशान पड़ गया है पेन पेन के, कुछ नहीं होता इससे, बड़ा लंबा लंबा लगाता हूं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, केमिकल दाद पड़ जाता है। एक तिलक भीतर में भी है और एक माला निरंजन माला घट में फिरे। जब तक उस माला का बोध नहीं होगा तो हरिद्वार गया था मैं देखने के लिए, 5 टन से दुकानदार के पास कम माला नहीं है। माला में ही गुण होता तो मनिहारा समझो मेरी बातों को, कोई ऐसा चाहिए जो भीतर का भेद। आवाज नहीं आई, नाराज हो क्या? आनंद नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? कोई भीतर का भेद बता दे, और जो भीतर का भेद बताए उसे सदगुरु कहते हैं। साथियों, उसे सदगुरु कहते हैं। गुरु महाराज जी की दया से ये ज्ञान मुझे मिला है। पिछले 42 साल से मैं लोगों तक उस तत्व को, और उसके लिए माला की जरूरत नहीं है, उस क्रिया योग की जरूरत है, उस अनुभव की जरूरत है जो जागत सो दूसरों को जगा सकते। एक बुझा हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को, तो गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया है और मैं तुम्हें जना सकता हूं। मैंने जाना है और मैं तुम्हें, आवाज नहीं आई, बकबक नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोग प्रवचन करके चले जाते हैं, न तुमसे धन चाहिए न तुमसे दौलत चाहिए, वो परमेश्वर है, मैंने अनुभव किया है और मैं तुम्हें करवा सकता हूं। कितने लोग चाहते हैं? मैंने किया, ऐसे हाथ मत करो, ये यही तो तुम्हारी जी 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 नरक में पड़ोगे। पानी पियो छान के और गुरु करो, तुम मत बजाओ, मैं खुद बजा के लाऊंगा, और मैं अजमेर उज्जैन में तुम्हें चैन से बैठने दूंगा, या तो मुझे तुम भगा लोगे या चुपचाप रास्ते पे आ जाओगे। मैंने ठान रखी है, मैं ऐसा फकीर नहीं हूं, मैं आया हूं, या तो पटेल मुझे दोनों पैर बांध कर राजस्थान में पकड़ के और पटक के आ जाएगा, नहीं तो उज्जैन की नगरी में ज्ञान की गंगा बहेगी। मेरा वादा है तुमसे, मेरा वादा है तुमसे, मैं जानता हूं उस ज्ञान को जिस ज्ञान से तुम्हारे भीतर में उजाला हो जाएगा। मैं जानता हूं उस ज्योत को, मैं जानता हूं उस अमृत को, मैं जानता हूं उस नाद ब्रह्म को, मैं जानता हूं उस अमृत ब्रह्म को। गुरु महाराज जी की, ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ज्ञान दिया है और मैं तुम्हें उस मार्ग पे ले जा सकता हूं। कितने लोग ईमानदार, अरे मुझे वोट नहीं चाहिए, वो आप नितिन गहलोत को दे देना, मेरी तालियां नहीं चाहिए, तुम्हारा अंतर्मन चाहिए। तुम्हें से कितने लोग ज्ञान में जुड़ना चाहते, दिल से मत हाथ खड़ो ज्यादा, दिल है कि दाते महाराज हमें जरूर समझा दो, हाथ खड़ा करके अब मुझे बताओ। हरि बोल, हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल।
जब तेरी डोरी निकाली जा। पता है ना कि मकान की नींव का मुहूर्त है, फैक्ट्री का मुहूर्त है, सबका मुहूर्त है, जीवन में सबका मुहूर्त है, तुम्हारी छठी का भी मुहूर्त है, लेकिन तुम्हारे जाने का मुहूर्त है क्या? बताओ ना, है? इतना जो तू पोतते हो क्या मिलेगा? क्या मिला मुझे बताओ, विचार करो। इस संसार में सबका मुहूर्त है लेकिन तुम्हारे जाने का कोई? मेरे साथियों हाथ खड़ा करो और एक बार नीचा करो, तुम्हें दाती महाराज के चरणों की कसम होगी। प्यार करते हो तो आज इस बात पर विचार करना कि संसार में सबका मुहूर्त है, हमारे जाने का मुहूर्त है। कहा आगे उनकी बातें कहो या बोल करते थे दावा किताबें खोल कर, ये दवा हर गीत खाली जाएगी। ओ जब तेरी डोरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त से उठाई जाएगी। बड़ी दादागिरी है, बड़ी दादागिरी। अपोलो मैक्स फोर्टीज, ईमानदारी से पूछ लेना एक पार्टिकुलर टाइम। वो भी कहते हैं कि भगवान से अब जो करेंगे वो करेंगे। बड़ी बड़ी किताबें खोलते, दवा तब तक ही काम करती जब तक उसकी दवा काम करती। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरा मनपसंद भजन है और मैं इस पे आप लोगों के सामने खुद गा के इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हें समझ में आए। क्या गुलाब पर हो रही बुल बुल निशा, क्या गुलाब पर हो रही बुल बुल निशा, पीछे वो माली खड़ा है होशियार, मार कर गोली निकाली जाए। सुबह सुबह गुलाब के खेत में माली घुसा और गुलाब के फूल को तोड़ा तो कलिया हंसने लगी। तब वो माली कहता क्या, क्यों गुलाब पर हो रही बुल बुल निसार, कि हे कलिया इतना क्यों मुस्करा रही हो, पीछे वो माली खड़ा है होशियार, मार कर गोली गिरा दी। आज तुम्हारा नंबर है, आज हमारा नंबर है और कल। लेकिन यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे अगले वाले मरेगा, मेरे पिछले वाला मरेगा, मेरे दाएं मरेगा, मेरे बाएं मरेगा, मैं तो यहीं रहूंगा। और ये भूल, ये गफलत उसकी जिंदगी नरक कर देती। और मेरी अंतिम चार दो लाइन, ऐ मुसाफिर क्या पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर क्या पसरता है यहाँ, ये मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी खाली करा दी जा। कोठरी खाली करा दी जाएगी,
ये संसार एक दिन छोड़ना है और चलन चलन सब कोई कही मही अंदेशा और पता न जानो गांव का तो पहुंचोगे कहीं और। मेरे बेटे भी साथियों से एक मित्र एक दोस्त इस राष्ट्र का नागरिक हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता है, क्या जीते जी उस परमानंद को जानना नहीं चाहिए? आवाज नहीं, हाथ किसी ने खड़ा नहीं किया। अरे ये भरम कब टूटेगा कि अब करो अगली बार मिलेगा? यहां बैठे विद्वान से पूछो, हिंदुस्तान के किसी बैंक में चले जाओ और जाके कहो खाली 5 रुपया चाहिए, चक्रवर्ती ब्याज अगले जन्म में देंगे। बोले रे मेंटल डॉक्टर को बोलो पगला गया, जब बैंक हमें अगले जन्म के लिए 5 रुपया नहीं दे रहा है तो भक्ति अगले जन्म के लिए होगी? और होगी तो धन्यवाद, होगी तो अगले के जन्म में वर्तमान क्यों खराब कर रहे हो? और आज का वर्तमान कल का भविष्य बनेगा, इस वर्तमान में जागो। और लोगों को दो चिंताएं बहुत रहती है कि हम कब तक रहेंगे हम, और क्या मरने के बाद रहेंगे, ऐसा है या नहीं। तो एक कवि ने बहुत गजब बात कही है, मैं इसको जरूर सुनाऊंगा। अब जरा गर्दन सीधी कर दो और सुन लो, होनी निज हाथ लिए काल चक्र। मैं इसको 4 बार सुनाऊंगा आज। होनी निज हाथ लिए काल चक्र, जिनके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए। मैं होनी की बात कह रहा हूं। होनी निज हाथ लिए काल चक्र, जिनके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए। कांपते थे जिनके ताप से दिगंत, वे नगन से अतीत में समा गए। जब काल का झटका लगा, मेरी बात को पुनः सुनिए, होनी निज हाथ लिए खड़ा काल चक्र, जिनके समक्ष सूर्य चंद्रमा गए। कांपते थे रावण की ललकार के आगे सुनिया काम, कांपते थे जिनके ताप से दिगंत, वे नगन से अतीत की अथाह में समा गए। आगे कहा कि सूरवीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज, सूरवीरता में जो अजय कीर्तिमान रहे, अंगद का पाव इतिहास में जमा गए। लेकिन चुटकी बजी काल की तो वही तत्काल मौत में समा गए, वही तत्काल मौत में समा गए। इसलिए साथियों, क्या उस ज्ञान को नहीं जानना चाहिए जो हमारा है, जो हमारे भीतर में है? और ज्ञान है, मैंने जाना है और मैं आपके जानना जना सकता हूं, मैंने देखा है और मैं आपको दिखा सकता हूं। बिना किसी संकोच के उज्जैन के युवाओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कितने लोग ज्ञान को जानना चाहते हैं? देखा देखी हाथ मत करना और नीचे हाथ भी मत करना, हाथ तो खड़े रखना। राव साहब वहां विराजमान है। पिछले 42 साल में मैंने क्रिया योग के काम किया है, मैं क्रिया योग की संपूर्ण साधनाएं जानता हूं, फिर वो शांभवी हो, फिर वो संजीवनी हो, प्रतिक्रमण हो, प्रतिप्रसव हो या फिर श्री हो, इन सारी साधना को गुरु महाराज जी के ध्यान से जानता हूं। पता नहीं मेरे पुनर्जन्म का, या यूं कह दो कि मेरे गुरु महाराज जी का मेरे को उज्जैन से बहुत लगाव है। मेरे रोम रोम में उज्जैन बसा हुआ है। मैं रात में भी जब वहां रहता हूं, मजबूरियां है, 800 बेटियों का पिता हूं, लेकिन उज्जैन आने का मन बहुत करता है। उज्जैन के लोग यदि उस आत्मज्ञान को जानता है, तत्व ज्ञान को जानना चाहते हैं, जो स्वयं स्वयं के भीतर अपने आप को देखना चाहते हैं, तो दाती महाराज तुम्हारी सेवा में है। शनिदेव मेरे आराध्य है, वो संसारिक समस्याओं का तुम्हें संपूर्ण समाधान कर सकते हैं। साथियों, चाहे महाकाल हो, चाहे शनिदेव हो, चाहे मां भगवती हो,
तुम्हारे सांसारिक दुखों के संपूर्ण निवारण या कर सकते हैं वो, लेकिन ज्ञान चाहिए तो तुम्हें समय के सदगुरु के पास। आवाज नहीं आई। वेदव्यास का पुत्र कौन था? वेदव्यास का पुत्र कौन था? कौन था? अरे ये धर्मनगरी है राजेश बाबू, सुखदेव के पिता कौन थे? वेदव्यास। और जब छुप के महाकाल की साधनाओं को सुखदेव ने देख लिया तो 9 वर्ष गर्भ में रहे और बार 9 जनेऊ लेके आए और कहते हैं कमंडल लेके स्वर्ग पहुंच गए। कमंडल लेके बोर तो नहीं हो रहे हो? आवाज नहीं आई यार, हाथ खड़ा करके कहो, दोनों हाथ खड़ा करके, या कह दो कि छाती मारा दाती मारा, छाती पे मूंग दोलना बंद करो। बोर तो नहीं हो रहे हो? अरे भोला बैठ जा, नहीं हो रहे हो? तो सुखदेव कमंडल लेके स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में दरवाजा खटखटाया, बोले सुखदेव। बोले कौन सुखदेव? तेरे जैसे लाखों हुए, चल वापस, तू नुगरा आदमी। तो नुगरा अंदर नहीं जा सकता। सुखदेव आए पिता के पास, गए कि 4 वेद लिखे हो और मैं आपका पुत्र हूं और मुझे वापस भेजा जा रहा है। बोले सत्य तो है। तो फिर बोले कि समय के सदगुरु जनक है और तुझे उसके पास। गए सुखदेव, पहले गेट भी रोक दिए, कई वर्षों तक वहां खड़े रहे। फिर दूसरे गेट, तीसरे गेट, कई वर्ष लगे। और जब वो जनक के दरबार में पहुंचे जहां जनक सैन कक्ष था, देखा एक अंगूर खिला रही है, एक पैर दबा रही है, एक पंखा करी, तो सुखदेव कहने लगा कि महाराजा वेदव्यास का दिमाग खराब है, जो खुद इतनी औरतों में घिरा हुआ है, ये मुझे ज्ञान देगा, ये ज्ञान देगा। जनक ने देखा कि ऋषि के दिमाग में भरम है। घटना घटाई, जो ये जब सुखदेव ये सोच रहे थे कि ये मैं क्या ज्ञान देगा, इतने में घटना घटी। सिपाही आके बोला महाराज जनक नगरी में आग लग गई है, तब भी वो अंगूरी खा रहे थे। दूसरा आके बोला महाराज पूरी नगरी में आग लग गई है, तब भी वो अपनी मस्ती में अंगूर खा रहे थे। तीसरे ने आके महाराज अब तो राजमहल के आसपास आग आ गई है, तब भी वो अपनी मस्ती में अंगूर खा रहे थे। चौथे ने आगे के महाराज पहले गेट तक आग पहुंचने लगी है, सुखदेव भागने लगे। जगने ने कहा कि महाराज कहां भाग रहे हो? कि वो लंगोट और कमंडल वहीं पड़ा है। बोला अभी लंगोटी में अटके हो, फिर ज्ञान की बात करने आए हो? अभी तो लंगोटी की चिंता है तुम्हारी। भागे भागे लंगोट लेके आए, अंदर बुलाए, 56 प्रकार का भोजन परोसा गया और 56 प्रकार के भोजन परोस में किसी में नमक नहीं था। कहानी है ये। ऊपर में एक तलवार रख दी और भोजन कच्चे धागे में, तलवार और भोजन परोस दिया। कहा महाराज भोजन करो, कहते सत्यानाश तो भोजन कराएगा, ऊपर तलवार वो भी कच्चे धागे की। किसी तरह भोजन था, खटाखट खाए खाए खाए, खाके फटाफट चुलू किया। कहा महाराज भोजन कैसे का? बोले सत्यानाश भोजन का, किस भोजन की टेंशन, मेरा दिमाग तो कहां था, तलवार में था। जनक कहने लगे न जग त्यागो न हरि भूलो इस जिंदगानी में, इस जग में ऐसे रहो कमल रहता है पानी में, न संसार छोड़ो न सन्यासी बनो। जग में कैसे रहा जा सकता है, उसे साक्षी भाव कहते हैं। कहा अभी नहीं, बात नहीं करेंगे। कहा कल तुम जनक नगरी का दर्शन करके आओ। जनक नगरी के दर्शन के लिए सुखदेव के हाथ में मिट्टी का दीपक दे दिया और 4 तलवार वाले साथ कर दिए। बोले एक बूंद तेल गिर गया
तो गर्दन साफ। अब दे दिया, घूमने निकले पूरे जनकपुरी में, वापस घूम के आए। जनक ने पूछा, रे महाराज मुनिवार कैसे लगी जनक नगरी? बोले, यार राजा तेरा दिमाग खराब है, मैं जनक नगरी के देखूं, मेरा दीपक को देखूं? का ज्ञान यही होता है महाराज, तुम अंगूर देख के इतने परेशान हो रहे थे, जब जनक ने उन्हें ज्ञान दिया मुक्ति का मार्ग, ऐसे ही सारा संसार जिन्हें पूजता है वो है नारद ऋषि। नारद ऋषि एक ऐसा व्यक्ति था जो परमात्मा से बात करता था, हर रोज नारायण 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 की गाथा गाता था। एक दिन किसी काम से वो निकल गए थे, लेकिन वापस आए तो महाराज क्या देखता है कि भगवान गहलोत कहीं और है क्या, कहीं और तो नहीं है, यही है ना? सोनू पक्का? तो फिर मेरी आंखों में देखो, मैं बड़ा ही क्रिस्टल आदमी हूं, जब आंखों में नहीं देख तो मुझे लगता है व्यक्ति सुन नहीं रहा है या बोझ हो रहा हूं। जब नारद वापस आया तो देखा कि भगवान विष्णु के पार्षद जहां जहां नारद के पैर पड़े थे वहां की सारी मिट्टी हटा रहे थे और गंगा जल से पवित्र करे। उसका दिमाग घूम गया, बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले, जहां जहां तुम्हारे प्यार पर पैर पड़ते हैं प्रभु ने कहा गंगा जल से साफ करो। गया प्रभु, प्रभु ये क्या? अरे बोले तू नुगरा हुआ है, वो कान्या मान्या कुर वाले नुगरे की बात। बोले तेरे पास वो ज्ञान नहीं है, पगला गया, पैर पकड़े, प्रभु ये क्या, ये मुझे तो सनकादि के पास भेजा। जब ज्ञान हुआ तब नारद मुक्ति के मार्ग पे आया, और यही बात नामदेव के साथ थी, यही बात नामदेव, नामदेव के बारे में कितने लोग जानते हैं? तो मध्य प्रदेश के लोग हो, महाराष्ट्र के नजदीक भी रहते हो, नामदेव और विठल की कहानी कितने लोग जानते हो? नामदेव विठल, नामदेव का नाम सुना है? नामदेव महान संत थे, तीनों भाई बहन थे। महाराज पता है ना नामदेव ये क्या होता है, नींद में? नामदेव, नामदेव सोनू रोज भगवान से बात करता और 4 बजे भोग लगा के भगवान को भोजन कराता। रोज विठल उससे कहता, राजेश कि नामदेव तू जो मुझे देख रहा वो मैं नहीं हूं। बोले मेरे से माता फोड़ी मत करो, रोज खिलाता हूं, रोज तुम्हारे प्रवचन सुनू। दोस्ती थी उनकी, नामदेव का हृदय बड़ा सहज था, रोज भोजन कराते, रोज नामदेव को विठल कहता कि मैं तेरा जो तू देख रहा वो मैं। एक दिन नामदेव को गुस्सा आ गया, बोले आप जिस भी रूप में आना मैं पहचान लूंगा, जिस भी रूप में आओगे मैं पहचान दूंगा। नामदेव एक दिन सुबह सुबह 4 बजे नदी में नहाने गया, देखा कि एक व्यक्ति नहा रहा है, एक भैंसा बंधा हुआ है, एक नारी बैठी और कम से कम 20-25 अनाज की बोरियां हैं। वो जो महिला थी वो कोई और नहीं था, वासुदेव श्री कृष्ण और राधा थी, रुक्मणी थी। पतीला गरम पानी और कहा, अजी सुन रहे हो? नामदेव को सुना के कह रही, वो क्या कह रही है? अजी सुन रहे हो, पानी गर्म हो गया। बोले 10 बोरी चावल डाल दे। पतीले में 10 बोरी चावल डाल दिया। बोले अजी सुन रहे हो, पतीला खाली है। बोले 10 बोरी मूंग की दाल डाल दे। मूंग की दाल डाल दी। बोला पतीला फिर भी खाली है। बोले 10 बोरी और चने की चावल की चावल डाल दे। बोले पतीला फिर भी खाली है। विठल जी नहा रहा था, कृष्ण नहा रहा था। बोलो वो व्यक्ति जो नहा रहा है ना उसको भी अंदर डाल दो। नामदेव ने देखा कि नंबर मेरा, वहां तक पहुंचे, वहां से ऐसे भागे कि पीछे मुड़कर नहीं देखे। पहुंचे मंदिर में, ओम ओम जय 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 हरे हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। तो विठल कहने लगा, रे नामदेव बड़ा जल्दी आ गया। बोले प्रभु आपकी याद बहुत आ रही थी, हमें लगा आपको भूख लगी होगी, हम जल्दी भोग लगाने। बोले यार नामदेव सच्ची बता दी, इतना जल्दी कैसे आया? घंटी बजा रहा हूं बड़े प्रेम से। ओम 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 ओम। बोले नहीं 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 नामदेव सच्ची बात बता दे, मामला क्या है? हम नारायण देव कैसे बताए भाग के आया हूं?
नहीं माना नामदेव भोग लगा के, बोले मैं भोजन नहीं करूंगा, सच्चे बताए, बोले महाराज कुछ नहीं, आप हमेशा परेशान करते हो मेरे को, माई बैठ जा, उठ मत, मेरा ध्यान बढ़ जाएगा, बैठ जा जहां खड़ी माई, मैं कथा नहीं बांधता हूं, जीवन का आनंद और जीवन का अनुभव शेयर करता हूं। बोले मैं भोजन नहीं करता, सच्ची बता, बोले महाराज सच्ची बात यही है पटेल कि भूख लगी आपको, मैं तो भोजन खिलाना आया हूं। तो प्रभु ने अपनी मूर्ति में से हाथ बाहर निकालाया, और जो नामदेव धोती पहनता, धोती वहीं छोड़ के आएगा, धोती निकाली बाहर, देखा नामदेव पूरा नंगा। नामदेव को लगा क्या ये बात तो सही, बोले प्रभु आप ही थे क्या? बोले मैं ही था, तू तो कहता था मैं पहचान लूंगा, तेरे से मैंने कितनी बार सिखाया कि मैं जो तू दिखता हूं वो हूं नहीं, और हूं जो मेरे स्वरूप को पहचान, मैं क्या हूं, और ये बिना ज्ञान का संभव नहीं। बोले क्या करूं? बोले पंडरपुर जाओ। कहां जाओ? कहां जाओ? पंडर। वहां गए, देखा कि एक महात्मा शिवलिंग पे पैर देके नामदेव था प्रभु से, अब जिनका सैया कोतवाल तरक आएगा, जो जिसे राम भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण से बात होती वो कमजोर कहां? बोले देखो विठल का भी दिमाग खराब हुआ है, इसके पास बैठा, ये शिवलिंग पे पैर रखा, इसको ये पता ही नहीं कि पैर कहां रखना, ये मुझे ज्ञान देगा? बोले ए बाबा ये क्या तूने कर रखा है, शिवलिंग पैर दे। तो बाबा बोले भी देख भी बहुत बूढ़ा आदमी हूं, तू ऐसा कर, इसको पैर को उठा और कहीं और रख दे, जाके देख लेना, जहां जहां पैर रखा वहां शिवलिंग निकल गया। खोपड़ी पीटी, बोले यार गड़बड़, बोले माफ कर दे यार विठल ने कहा था जवाब मत पूछना, मैं नामदेव विठल ने भेजा ज्ञान दे, और पंडरपुर में उसको ज्ञान हुआ। 16 साल तक नामदेव वापस विठल के दर्शन के लिए नहीं गया। एक दिन रुक्मणी कहने लगी वो भगत बिना खाले आता नहीं, 16 साल से नहीं आ रहा। बोले वो मस्त है, बोले अब पता चले, बोले हाँ चलो पहचान लेगा वो। और कहते हैं विठल जंगल में आराम से तप कर रहा था, साधना से उठा, 5-7 दिन पुरानी रोटियां थी उनको गर्म कर रहा था। इधर रुक्मणी और कृष्ण कुत्ते का रूप बनाए और उसकी झोंपड़ी के पास पहुंचे, और पांच पहुंचे और रोटी को लेकर भागने लगे, तो नामदेव मुस्कराने लगे, बोले विठल पागल है, तेरे गले को मेरे से ज्यादा कौन जानता है, ये सूखी रोटियां तेरा गला सड़ जाएगा, तेरे गला छिल जाएगा, रुक तेरा घी लगाता। प्रभु वहीं प्रकट हो गए, तूने पहचाने? बोले हाँ, आपने सदगुरु से भेंट कराई, अज्ञान अंधेर विनाश, बहता था बह जाता लोक भेद के साथ, पेंडे में सदगुरु मिली, दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ, वस्तु दिनी दिखाए, कोटि जन्म का पंथा पल में पहुंचाए, ये सदगुरु मिले रास्ता बनाया, और अब मैं आपके चरणों में हूं, प्रभु प्रणाम। आप में से वे लोग जो वास्तव में अंतर मन की आंखों को खोलना चाहते हैं, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देव दादिम ते चक्षु, वो आंख चाहिए, तो दाती महाराज तुम्हारी सेवा में हाजिर है। पुनः मंच को प्रणाम, विद्वानों को प्रणाम, अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी, कोई भी मेरे से भूल हो गई तो क्षमा प्रार्थी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आवरण से बाहर आओ और उस ज्ञान से जानो। संतों ने एक जगह कहा है कि जे तू चार पदार्थ चावे तो सेवा कर ले साधु, पहला पदार्थ सतनाम जान ले, पहले तू जान पीछे मान ले, उसको जान, किसी ने मानने के लिए नहीं कहा है। कह एक आदमी है गहलोत, कह एक आदमी है और ख एक आदमी है, दोनों के पास 500 रुपये कितने हुए? कह न कोई आदमी है न ख न कोई आदमी है, माना किसको जाता है?